हालात आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस समय यहाँ पर बने हुए हैं, क्योंकि लोगों के घरों को अचानक यहाँ पर नुकसान पहुंचा है और जिसके बाद ठेकेदार पर जो है वो यहाँ पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। अक्सर आप देखते हैं कि ठेकेदार जब काम करते हैं तो जनाब उनकी लापरवाही की वजह से जो है वो आए दिन कभी किसी की जमीन को नुकसान पहुंचता है तो कभी किसी के घर को। लेकिन आप देख सकते हैं नई बस्ती से ये तस्वीरें हैं, यहाँ पर लोग जो है वो अपने अपने घरों से बाहर निकले हैं। क्या कुछ ये पूरा मामला है, लोगों से भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जनाब इन तस्वीरों को जरूर देख लीजिएगा। जम्मू के नई बस्ती से यहाँ पर ठेकेदार की लापरवाही की वजह से जो है वो लोगों के घरों को नुकसान यहाँ पर पहुंचा है और जिसके बाद लोगों में डर का माहौल कि आखिरकार जनाब वो अब जाए तो जाए कहाँ और उनके सुने तो सुने कौन। आप देख सकते हैं रोड पक्का, अभी जो दीवारें गिरी हुई है इनके नीचे क्या क्या सामान इनका पड़ा हुआ है कोई कहने की बात नहीं। ये बेचारे लोग गरीब लोग हैं, दिहाड़ीदार लोग हैं, ये सारे काम पे गए हुए थे। साथ वाले घरों ने इनको फोन करके बुलाया कि आपका मकान तो मकान गिर गए हैं। जो आगे वाले मकान गिरे हुए उसकी गार्डन की अलमारी भी नीचे गिरी थी, बहुत सारी बाहर निकाल दी है और उसका कितनी देखो दीवारें गिरी हुई हैं, उसके नीचे इनका कितना क्या क्या सामान है। गरीब लोग हैं, कैसे बनाएंगे। कितने देर की बात है, क्या पूरी बात है बताएगा। एक घंटा पहले की बात है, ये मैं खाना खा रहा था घर में, ये मोहल्ले में मेरे दो घंटे हो गए, बेचारे इनकी मैं मदद करते रहता हूँ जितनी हो सके। इन्होंने मुझे फोन किया, बेटी भैया ये हमारे चार घर गिर गए हैं। मैं क्या हुआ, कहता ठेकेदार जो जेसीबी वाली मशीन है वो आई थी, उन्होंने ऐसे निकाली थी, वो जेसीबी की मशीन लगी तो सारे घर चार के चार गिर गए। मैं किसी की जानी माल का नुकसान नहीं हुआ, मैं उसी वक्त खाना छोड़ के बहुत नुकसान हुआ है। गरीब बंदे हैं ये, घर इनका घर है। ये देखो फैन सब नीचे पड़ा हुआ, ये देखो सामान बेड तो पानी में अंदर, बिस्तरे सब कुछ मतलब जितना सामान था बर्तन वगैरह सारे चले गए हैं, ये पानी के अंदर चले गए। इधर किचन था, बार बार जा रहा था कि मैं जेसीबी आसे अभी नाला पूरा हो गया हुआ है, तो वो बोलते आपका घर नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, आज दोपहर को आया मैं खाना खा रहा था, टेस्ट करवा के लिया इनके पिताजी, बोलो बोलो। तो फिर मैंने गया उधर, तो क्या नाम है, अभी रोटी खा रहा था तो इधर से क्रैक होना शुरू कर दिया। मैंने बिटी भैया को फोन किया, मैं बिटी भैया ऐसे ऐसे बात हो गई है, और मैं इनको बोलने गया था, पीछे से सब ही गिर गया है, मेरे बेड शेड आधा सामान बीच में गिर गया, वो पखे शखे अभी बीच में दबा हुआ, बेड शेड भी आधा टूट गए हैं। ये बेचारे रो रो के किस तरह से यहाँ पर नुकसान देखने को मिला है और लोगों में डर का माहौल, लेकिन ठेकेदार पर यहाँ पर जो है वो इस समय गंभीर आरोप लग रहे हैं। दीदी किन्ने बजे गल है, के कोई गल होई तुसके, एक डेढ़ घंटा होया, डेढ़ घंटा पहले की बात है ये। तो ठेकेदार आया, इधर था, उसने दो बल्ली लवाई, जब सोशल मीडिया आना शुरू हो गई तो ठेकेदार उसी वक्त ये भाग गया। कितने घर को नुकसान पहुंचा, चार घर को नुकसान पहुंचा। देखो उन्होंने सारा सामान बाहर रखा है। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, बीमार लोग हैं बेचारे, ये रात को सोएंगे कहाँ पे, क्या बनाएंगे, क्या खाएंगे, कहाँ सोएंगे ये बच्चे बेचारे इनके। अगर रात को क्या बोलना चाहेंगे, मैंने बोला जे को 2:45 की बात है, मैं बाहर आई, मैं बाहर से आई, जब मैंने देखा धमाका हुआ, मैंने बोला पता नहीं किस चीज का धमाका हुआ, जब मैंने देखा मैंने ऐसे करके देखा तो ये सामान इनका सारा बाहर नाले में पड़ा हुआ था। तो एक लड़की आई, बोलती दादी देखो इधर किस चीज की आवाज आई, मैंने बोला आओ मेरे साथ। फिर मैंने उधर गई हूँ जाके, मैंने खुद भी वीडियो बनाई है, फोटो वगैरह खींची है, ये सारा सामान ही इनका अंदर, इनका तो कोई कमाने वाला भी नहीं है बेचारों का। दीदी क्या क्या नुकसान हुआ आपका। नुकसान सर देखो ना, सारा बाथरूम वाला गिर गया, नीचे अलमारी गिर गई थी, मेरी तो मम्मी का घर है, हमें तो पता भी नहीं था, फोन आया जब तक देखा तो सब नीचे गिर गया। ये देखो लेंटर पे सारी दरार आ गया, ये भी गिर जाएगा, और नीचे राशन कार्ड मम्मी उनका सारा, मेरी तो माँ भी नहीं घर पे, वो भी काम करती है, लोगों के घर काम करने गई हुई है, हमारा तो कोई आया भी नहीं कमाने वाला, कौन करेगा, हमारा तो इतनी मुश्किल हुई है सर, हमारे तो कोई मदद करने वाला भी नहीं है इधर, हमने क्या करनी है सामान से। ठेके ठेकेदार कोई कुछ नहीं बोल गया, ठेकेदार भाग गया सर, अभी बात करके गया था तो अभी भाग गया, हमारे तो कोई मदद, हमने क्या करनी है स्मार्ट सिटी इधर, हमारा देखो घर सारा टूट गया, हमने क्या करना, मम्मी पापा मेरे रहते थे बेचारे, वो क्या कर सकते, गरीब बंदे हम,
जब ये डंडर गिरा कोई घर पे नहीं था, कोई भी, ये शुक्र करो कोई दिन था, रात नहीं थी। रात को मेरे छोटे छोटे बच्चे सोए होते तो क्या बनता हमारा। क्या मांग करना चाहेंगे, क्या मांग करना चाहेंगे? हम यही बोलते हैं सर, हमारे देखो इधर आकर हमारी मदद करो, क्या करें, हम गरीब बंदे, हम बना सकते हैं इसको? सारा नीचे से गिर गया, सारा राशन कार्ड, सब अलमारी हमारी नीचे गिर गई, कपड़े सारे नीचे गिर गए, सारे कपड़े हमारे नीचे ले गए नाले में, वो ना निकालने का लायक है ना पहनने का लायक है, क्या करना हमने गरीब बंदों ने सर? कहाँ लोकेशन क्या है और कौन सी जगह है ये? शास्त्री नगर इंदिरा कॉलोनी शमशान घाट के पास है। देखो सारा खिलवाड़ सब बात ठीक रखा सामान, आपका घर भी सर है इसमें? यही तो मेरा घर है। करता। मेरा क्या मांग करना चाहेंगे आप? बना के दें हमको दीवार वाले जो तोड़ा है इन्होंने, जो जेसीबी वालों ने नीचे से गहरा बड़ा करते मांग रही है। और क्या यही करते हैं कि गरीब फैमिली है, सरकार से यह है कि इनको जो मुआवजा दे बेचारो, इनको जो हम कौन सा कह रहे हैं लेंटर डाल के दीवारें खड़ी कर दो, वही बना दो। देखो तो सर हमारे गरीबों का क्या हाल किया, हम गरीब बंदे हम किधर जाएंगे, हम घरों के घर रोटी बनाते हैं, मेरी पापा इधर दिहाड़ी लगाते हैं, क्या करना है? मेरी माँ सुबह की गई है, उसको तो पता भी नहीं पीछे से उसका घर का ये हाल है सर। कुछ ठेकेदार ने कुछ नहीं बोला, वो निकल गया ठेकेदार, जो पहले तो इधर था। तो अब देखो जैसे आपको मैंने पहले ही बताया कि जैसे मीडिया वाले आने शुरू हुए वो निकल गए, सब मशीन की नाले में ही पड़ी हुई है, पीछे पड़ी है नाले में। नाले में है और सब चले गए, भाग गए, उनकी लेबर भी भाग गई है, तो ठेकेदार क्या करेगा खड़े होकर।